नमस्कार किसान साथियों, आज दोबारा आपके बीच एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो हम बनाने जा रहे हैं आप लोगों के लिए। एक सब्जी के बारे में हम जो विस्तृत जानकारी जो हम आपसे साझा करना चाहते हैं, इससे पहले कि और हम आगे बढ़ें, आप ये जो चैनल है हमारा जुगनू यूट्यूब के नाम से जो है, जुगनू छिलर यूट्यूब के नाम से है, जो अलग अलग तरह की जो जानकारी आपको देते हैं, आगे भी जुगनू जी आपसे जुड़े रहेंगे तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आगे हम इसी चीज़ को आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि सब्जियों की, इससे पहले भी एपिसोड में हमने जिक्र किया था कि कौन कौन सी सब्जियां हमें लगानी चाहिए अब सितंबर माह के अंदर, तो अब उसी के आगे सीधा जो बीज से लगने वाली जो हमारी सब्जियां हैं उसके बारे में हम इधर बात करेंगे। किसान साथियों, आप देख सकते हैं इधर ये हमने माइको 8 नंबर जो घिया है वो लगाई हुई है, और ये अपने IHDC जो सुंदरा जो सेंटर है, सब्जी उत्कृष्टता केंद्र सुंदर डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ के अंदर, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये एक तकनीकी खेती हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये बांस के ऊपर जाल वगैरह लगा के, ये ट्रेलिस वगैरह जो अपनी रस्सियां हैं ये लगा के, ताकि बेलों को चढ़ने में आसानी हो और ऊपर तक आपकी बेल फैले, ये उस हिसाब से ये तकनीकी सुविधा ये उपलब्ध करवाई गई है। ये एक डेमो का भी काम करती है अपने किसान भाइयों के लिए, ताकि वो इसी चीज को आगे बढ़ावा देने के मकसद से इससे कुछ सीखें, इससे कुछ पता लगे। तो किसान साथियों, ये घिया की फसल है, पीछे भी आप देख सकते हैं सारा का सारा ये स्टेकिंग के ऊपर लिया हुआ है, और इसका मकसद एक और भी है कि एक्चुअल जो हमारी वास्तविक जो पैदावार जो आती है सब्जी की, उसके अंदर हमें दिक्कत ना आए, फल हमारा खराब ना हो। जमीन के संपर्क में आने से कई बार फल खराब हो जाता है, पीला पड़ जाता है, उसके अंदर फंगस आ जाती है, इस तरह की दिक्कतें ये सिस्टम, ये तकनीक अपनाने के बाद बिल्कुल भी नहीं आती है दोस्तों। तो इसलिए अब इसी क्रम में आगे चलते हुए हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हमारे को बीमारियां जो आती हैं उसके अंदर, जिन बीमारियों की वजह से किसान भाई को दिक्कत आती है, वो परेशान होता है, उसको स्प्रे पे जाना पड़ता है या कोई ना कोई हानिकारक रसायन उसको यूज करना पड़ता है, तो उस चीज की हम थोड़ी जानकारी आपसे साझा करना चाहेंगे। तो उससे पहले मैं एक बार थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कि अगर हम पौधे पे, अगर इस पे बात करें तो ये आप देख सकते हैं पीलापन इसके ऊपर आया हुआ है। ये केवल मौसम में जो नमी जो अब लगातार जो बनी हुई है, केवल उसकी वजह से है, आप ये देख सकते हैं। और इसमें नीचे वाली जो पत्तियां हैं, इसके अंदर शुरुआत में कई बार सुरंगी कीड़ा जिसको हम बोलते हैं लीफ माइनर, ये सुरंग की तरह ये गोल गोल से निशान छोड़ता है इसके ऊपर, इसकी वजह से ये दिखाई दे रही है। पर लेकिन ये दिक्कत अपने ऊपर वाले पत्तों में आपको बहुत ही कम नजर आएगी, शुरुआत में एक बार आ जाती है, दिखाई देती है। तो इसके अंदर मेन जो चीज है आपकी जो परेशान करती है सब्जियों के अंदर, कीड़े और बीमारियां। बीमारियों में अब हम शुरुआत से बात करेंगे, एक तो जमीन जनित बीमारियां होती हैं, दूसरी होती हैं वायु जनित बीमारियां। तो जमीन जनित जो बीमारियां आपकी, वो जमीन से पैदा होती हैं, जमीन के अंदर जीवाणु होता है उसका, हानिकारक जीवाणु जो हमारे पौधे को परेशान करता है, पौधे को नुकसान करता है। जमीन जनित बीमारियां अत्यंत घातक होती हैं, जिसके अंदर हमारा जैंथोमोनाज है, फाइटोफथोरा है, उगेड़ा जिसको हम बोल देते हैं, आपका दूसरा जड़गलन जिसको हम बोल देते हैं, तनागलन जिसको हम बोल देते हैं, ये इस प्रकार की बीमारियां जमीन से जनित बीमारियां होती हैं। वायु जनित बीमारियां भी काफी तरह की होती हैं, उसके अंदर आप देखेंगे कि, उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे साझा करना चाहूंगा कि इसके अंदर आप देखेंगे कि दूरी किस प्रकार से मेंटेन की गई है, पौधे से पौधे की जो दूरी है उसके अंदर लगभग हमारा 2 फीट का गैप है। 2 फीट का गैप किस लिए रखा गया है, ताकि पौधा जो बढ़वार लेगा आपका, इससे ऊपर जब भी आपका पौधा जाएगा और साथ वाला पौधा जो बढ़वार लेगा, दोनों के बीच में इतना गैप कम से कम होना चाहिए कि पौधा अपनी पूरी बढ़वार अपनी ले सके। दूसरा इसका फायदा यह है कि इसके अंदर हवा जो है वो आराम से आपकी पास हो सके, उसके अंदर भी बीमारियां आपकी आधी तो वैसे ही कम हो जाती हैं, अगर हवा का स्राव अगर बिल्कुल ढंग से अगर मेंटेन रहेगा तो ये दिक्कत आपको नहीं आएगी दोस्तों। इसके बाद एक चीज और, मल्चिंग शीट, यहाँ पे हमने प्लास्टिक पॉलीथीन का इस्तेमाल किया है, ऊपर से सिल्वर कलर की है ये, और इससे नीचे वाली साइड जो ब्लैक कलर की है, सिल्वर ब्लैक इसको हम बोलते हैं मल्चिंग शीट। इसका लगाने का हमारा मकसद है कि एक तो इसके अंदर वाष्पीकरण की वजह से जो पानी हमारा ज्यादा जो बाफ बन के जुड़ जाता है, एक तो वो दिक्कत नहीं आती है, नमी बनी रहती है बेड के अंदर। दूसरी चीज हमारी ये है, आप देखेंगे इसके अंदर कहीं भी आपको खरपतवार नजर नहीं आएगा। तो दोस्तों, एक खरपतवार को या निराई गुड़ाई जिसको हम कहते हैं, जिसके ऊपर हमारा एक बहुत ही मोटा पैसा हमारा खर्च होता है, उस चीज से भी आप बच सकोगे, वो भी अपने लिए एक फायदे का सिस्टम है।
एक चीज मैं और दिखाना चाहूंगा कि ये जो हमारी शीट जो चल रही है इसके नीचे हमारी ड्रिप लाइनें बिछी हुई हैं। थोड़ा सा एक बार ज्यादा तो मैं ये देखिए आप, ये पाइप बिछी हुई है इधर से, ये ड्रिप लाइनें हैं, दो की संख्या में है, ये दो लाइनें चल रही हैं पैरेलल लगातार। आगे भी आपको नजर आ जाएगा बिल्कुल बांस के साथ में, आप देखिए दो लाइनें हमारी ड्रिप की चली हुई है जो कि 70-80% तक हमारे पानी को बचाती है, जिसका हमारे को आगे अपनी जनरेशन के लिए भी, हमारे आने वाली पुश्तों के लिए भी बहुत एक अच्छी चीज है। इसी क्रम में हम आगे चलते हुए कुछ एक बीमारियां आपसे और साझा करना चाहेंगे। अब इसके अंदर आप देखेंगे दोस्तों ये पीलापन आ जाता है कई बार, ये हमारे इस मौसम में जो नमी बनी हुई है लगातार जो बारिश हो रही है कई बार उसकी वजह से आ जाता है। लेकिन इस पीलेपन के भी दो तीन कारण होते हैं। एक कारण तो है आपका जो फफूंद वाली, फफूंद जनित जो बीमारी है आपकी, मिट्टी जनित जो बीमारी है, जमीन जनित जो बीमारी, उसकी वजह से पीलापन आ जाता है। दूसरा आपका इसका कारण है पोषक तत्वों की कमी। पोषक तत्वों की कमी है तो उसके अंदर आपको बराबर पीलापन नजर आएगा पूरे पत्ते के ऊपर। वही पीलापन आपको अकेली एक आध पत्ती पे ना होके आपको ऊपर ऊपर की लगभग सभी पत्तियों पर नजर आएगा। और नाइट्रोजन की अगर कमी है, नाइट्रोजन की अगर डेफिशिएंसी है, तो नीचे वाली पत्तियां आपको पीली मिलेंगी। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि आमतौर पे जमींदार भाई कहता है कि जी हमें कैसे पता लगे कि पौधे के अंदर किस चीज की कमी है। तो मेरे किसान भाइयों, मैं आपको एक बात बता दूं मोटे मोटे तौर पे, जहां भी पत्ता आपका, नसें अगर हमारी हरी है लेकिन बीच में से पीला हमारा पत्ता अगर पड़ गया है, यहाँ पे कोई ऐसा पौधा है नहीं तो मैं आपको थोड़ा इस चीज के बारे में बताता है। तो नसें हमारी हरी है लेकिन बीच में से अगर पत्ता पीला पड़ गया है तो इसका मतलब वहां पे मैग्नीशियम की आपकी कमी पौधे के अंदर आपको नजर आएगी। दूसरी चीज, नीचे का पत्ता बहुत गहरे हरे रंग का, आप हरा रंग भी नहीं कह सकते उसको, एक हल्का भूरा रंग आप कह सकते हो, इस टाइप का अगर पत्ता कोई अगर आपका हो गया है, नीचे वाली जो पुराने जो पत्ते हैं उनमें से अगर वो नीचे से ऊपर की तरफ अगर फैल रही है, इसका मतलब उसके अंदर फास्फोरस की कमी है। फास्फोरस की कमी की पूर्ति के लिए हम डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन के लिए यूरिया डालते हैं और मैग्नीशियम के लिए मैग्नीशियम सल्फेट डालते हैं। इसके अलावा बात आती है बोरोन की। बोरोन के अंदर आपको क्या महसूस होगा कि जो आपकी बिल्कुल जो टिप्स की जो पत्तियां हैं, बिल्कुल छोटी जो आपकी पत्तियां हैं, वो अपना कलर चेंज कर देंगी, वो बिल्कुल आपको ग्रीन कलर में आपको नहीं मिलेंगी, वो एक साइड से अलग रंग मिलेगा उसका, एक साइड से आपको अलग रंग मिलेगा, ये बोरोन की कमी की वजह से आता है। दूसरा हमारा आता है कि जिंक की कमी के क्या लक्षण है। जिंक की कमी के अंदर मेरे किसान भाइयों, आपको बहुत ही एक साधारण सा आपको आपने अनुभव किया होगा, गेहूं वगैरह की फसल में भी आमतौर पर जिस तरह हम देखते हैं कि जिसमें जस्ते की कमी होगी, इसमें जिंक की कमी होगी, आप जिंक डालिए, तो जिंक की कमी का लक्षण आपको ये नजर आएगा कि जो आपकी ऊपर की जो नई जो आपकी पत्ती है, जो ऊपर की जो सबसे ऊपर की जो आपकी गुच्छी है, उन गुच्छों के अंदर आपको हल्का गहरा रंग नसों के बीच में आपको नजर आएगा, इसका मतलब वो आपकी जस्ते की कमी की वजह से है। नसें आपको ठीक मिलेंगी लेकिन अंदर पीलेपन की बजाय आपको हल्का सा गहरा रंग आपको नजर आएगा, तो इसका मतलब वो आपकी जस्ते की कमी की वजह से है, जिंक की कमी की वजह से, जिसके लिए हमें जिंक सल्फेट हम यूज कर सकते हैं। दूसरा अपना जिंक 33% दानेदार में या 21% दानेदार में, या फिर जिंक चिलेटेड 12% हम यूज कर सकते हैं उसके निवारण के लिए, उस कमी को दूर करने के लिए। तो दोस्तों, एक इससे इसी क्रम में जो अगली चीज आती है कैल्शियम की कमी, कि कैल्शियम की कमी को हम कैसे पहचाने। कैल्शियम की कमी के अंदर फल के ऊपर तो आपको ये अनुभव होगा आपका कि टमाटर की फसल के अंदर जब आपकी टमाटर जिधरकू है आपका, उसे नीचे वाली साइड से आपको अगर टिकारी अगर आपकी सफेद रंग की अगर आपको नजर आती है, गोड़ा सफेद रंग का अगर नजर आता है, तो इसका मतलब वो आपकी कैल्शियम की कमी की वजह से है। बाकी टमाटर आपको लाल नजर आएगा लेकिन केवल नीचे नीचे का जो उसका हिस्सा है वो आपको सफेद नजर आएगा। दूसरी चीज, किन्नू मौसमी नींबू, नींबू वर्गीय जो पौधे हैं उसके अंदर आपको कैल्शियम की कमी का कैसे आभास होगा कि आपका फल एक साइड से आपको फटा हुआ नजर आएगा, त्रेड आ जाएगी उसके अंदर बीच में, और पूरा फ्रूट बल्कि आपका हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, लेकिन एक साइड से उसके अंदर दरारें आ जाएंगी, वो आपकी कैल्शियम की कमी की वजह से है। कुछ जमींदार भाई इसको बोरोन की कमी भी बोल देते हैं, लेकिन किसान साथियों मैं आपको बता देता हूं बोरोन की और कैल्शियम के फटने में क्या फर्क है। बोरोन के लिए, बोरोन की वजह से जो आपका फल फटेगा वो बिल्कुल सारा का सारा एक ही अवस्था के अंदर केवल दरार दरार आपको नजर आएगी, जबकि कैल्शियम की कमी की वजह से जो फल आपका फटेगा वहां पे आपको किनारियां आपको हल्के लाल रंग की आपको नजर आएंगी जहां से फल फटेगा आपका, इसका मतलब वो कैल्शियम की कमी की वजह से है। तो ये मोटी मोटी सी है, मैंने पोषक तत्वों के बारे में आपको बताया। और दोस्तों, एक चीज का हमें बहुत ही ध्यान रखना है इसके अंदर, सब्जियों के अंदर भी और बागों के अंदर भी। तो हम सब्जियों की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो पहले मैं सब्जी के बारे में बता देता हूं आपको।
शुरुआती खुराक के बारे में हमने जिक्र किया था हमारे बिल्कुल पहले एपिसोड में, जुगनू छिलर जो यूट्यूब हमारा जो चैनल है इसके ऊपर हमने सबसे पहले हमने जिक्र किया था जमीन की तैयारी खुराक वगैरह के बारे में हमने जिक्र किया था। दोस्तों फसल लगाने के बाद हमें एक चीज का बहुत ही ध्यान रखना है कि जो भी पोषक तत्व हमें जो पौधे को देने हैं वो आप कोशिश कीजिए स्प्रे के माध्यम से, फोलियर स्प्रे हम जिसको बोलते हैं, स्प्रे के माध्यम से आप दीजिए। उसके अंदर आपके एनपीके के अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं बता देता हूं आपको कि खीरा की फसल अगर हमने लगाई हुई है या हमने घिया हमने लगाई हुई है, इसके अंदर आपकी एनपीके की जो स्प्रे होगी सबसे पहली आपकी 19-19-19, 20-20-20 या 18-18-18 में से कोई एक आपको शुरुआत में लेना है। टंकी की प्रति टंकी जो पीठ वाली टंकी है उसके अंदर आपकी 80 से 100 ग्राम की डोज उसके अंदर पड़ेगी आपकी। इसी के अंदर साथ में आप मैग्नीशियम सल्फेट आपको मिलाना है, मैग्नीशियम सल्फेट की भी आपकी 70 से 80 ग्राम के आसपास आपकी टंकी की डोज रहेगी। दोनों को मिला के आपको स्प्रे करवाना है क्योंकि बराबर अनुपात के अंदर आपको शुरुआत में खुराक देनी बहुत जरूरी है। इसी के बाद आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कीट एवं बीमारियां जो आपकी आई हुई हैं, जैसे अब कुछ पत्तियों के अंदर हमने यहां देखा कुछ कुछ एक में फंगस, वो इस वातावरण की वजह से नमी की वजह से कई बार फंगस बन जाती है आपकी, उसके लिए हमें क्या करना है, कार्बेंडाजिम 50% में जो बायोस्टिन के नाम से आती है या C+M कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब, 12% कार्बेंडाजिम प्लस 63% मैनकोजेब, दोनों में से किसी एक दवाई का आपको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की मात्रा में आपको स्प्रे करवाना है। किंतु इसी के साथ साथ आपको इंसेक्टिसाइड भी लेना है, अगर आपको कहीं भी अगर आपको लीफ माइनर जिसको हम सुरंगी कीड़ा बोलते हैं या पत्ती खाने वाला आपका कीट है या आपका सफेद मच्छर अगर आपका आया हुआ है, सफेद मक्खी जिसको हम बोलते हैं, थ्रिप्स आपका आया हुआ है, चूड़ा जिसको हम बोलते हैं, या हरा तेला आपका आया हुआ है, हरा मच्छर जिसको हम बोलते हैं, अगर ये चीजें भी उसमें आई हुई है तो आप कॉन्फिडोर भी आप ले सकते हो या फिर आप इसी के साथ में प्रोफेनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन का आप घोड़ा आप साथ में मिला सकते हो ताकि हमारी दोनों चीजें हमारी साथ साथ हमारी कवर हो जाएं। दोस्तों एक चीज जो सबसे जरूरी बात है, कोई भी दवाई जब भी आप लेते हो आप जेन्युइन दवाई का इस्तेमाल करो, किसी लोकल दवाई का इस्तेमाल आप मत कीजिए क्योंकि आपको वो परिणाम आपको नहीं मिलेगा अगर आप लोकल दवाई का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप जमींदार भाई के दिमाग में एक बात आती है जी, ओरिजिनल दवाई हम किसको माने, ओरिजिनल दवाई से मेरा मतलब है जो चलन में है, जो दवाइयां आपकी रेगुलर जमींदार जिसका रिजल्ट ले चुका है, आपसे पहले भी जो जमींदार यूज कर चुका है, जिसका रिजल्ट को उसको मिला है, जिसका परिणाम उसको अच्छा मिला है, जिस ब्रांड की वो लेके आया था उसके अंदर भी आप कोशिश कर सकते हो कि पहले जो हमने चीज इस्तेमाल करी उससे जो हमें परिणाम मिला उसी चीज के हिसाब से ही हम आगे बढ़े, ये आपको परिणाम के हिसाब से ही आपको पता लगेगा। तो दोस्तों दूसरी चीज क्या है कि ये तो हमारी बात थी कि एनपीके प्लस मैग्नीशियम करने के बाद दूसरा 3-4 दिन के बाद जो हमारा स्प्रे है अपना फंगस के लिए और कीट के लिए, अब बात आती है कि बाकी जो हमारे पोषक हैं उसकी पूर्ति कैसे की जाए। उसके लिए आपको सेकेंड स्प्रे के अंदर क्या करना है, चिलेटेड जिंक 12% जिसको हम EDTA फॉर्म में जो हम बोलते हैं जिंक जो आता है अपना पाउडर फॉर्म में 10 से 15 ग्राम प्रति टंकी, उसी के साथ में आपको कैल्शियम नाइट्रेट या कैल्शियम बोरेट आपका 80 से 100 ग्राम प्रति टंकी उसी में जिंक के साथ में ही मिला के प्लस आपका एनपीके 13-0-45 जो कि अलग अलग नामों से आपको अवेलेबल होता है मार्केट में। कुछ बेहतरीन कंपनियां हैं जिनके बहुत अच्छे एनपीके और ये खुराक जो है काफी अच्छी क्वालिटी के अंदर, उत्तम क्वालिटी के अंदर आपको अवेलेबल मिलेंगी, जैसे आपका एरीज है, श्रीराम है, आपका यारा है, ओमेक्स कंपनी का है, ACS का, तो ये कुछ एक कंपनियां इनके उत्पाद आपको हमेशा अच्छे मिलेंगे, ये मैंने केवल उदाहरण के तौर पे आपको बताया है। तो दोस्तों ये तीसरा हमारा स्प्रे जाएगा जिसके अंदर हमने ये कॉम्बिनेशन रखा है कैल्शियम नाइट्रेट प्लस जिंक चिलेटेड 12% प्लस आपका 13-0-45 NPK। ये स्प्रे करने के बाद आपको बढ़वार में भी, दोस्तों उससे पहले मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि ज्यादा इकट्ठी डोज, ज्यादा इकट्ठा खाद एक बार में देने की कोशिश आप ना करें, खाद को विभाजित करके आप छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर आप फसल को दें, वो खाद आपका ज्यादा आपको असर दिखाएगा बल्कि कि जो आप इकट्ठा डालेंगे उसकी बजाय। तो दोस्तों ये हमारा एक अड़का सा शेड्यूल था जिसको अगर आप फॉलो करते हो शुरुआत में तो आपको दिक्कत नहीं आती है। जिन किसान भाइयों ने ड्रिप के ऊपर जिन्होंने सब्जी ले रखी है उनको मैं जरूर बोलूंगा कि जड़ गलन से बचाने के लिए पौधों को या तना गलन से बचाने के लिए आप बाविस्टिन या कार्बेंडाजिम 50% को आप नीचे ड्रिप में जरूर चलवाइए। आधा किलो की दवाई 1 एकड़ के लिए काफी होती है, उससे आपको बहुत ही बेहतरीन परिणाम मिलेंगे, जड़ गलन की आपको समस्या नहीं मिलेगी।
क्योंकि कार्बन डाइजिंग 50% जिसकी मैं बात कर रहा हूं भविष्य की, ये एक अंतर प्रवाही फफूंदनाशक है। अंतर प्रवाही से मेरा मतलब है कि ये जमीन में से पौधे के सिस्टम में जाके काम करता है, तो इसलिए पौधा जरूरी नहीं है कि स्प्रे करना ही जरूरी है, वो जड़ों के माध्यम से जब पौधे में जाएगा तो अपना रिजल्ट अपना परिणाम वो अवश्य देगा आपको। 50% कार्बन डाइजिंग बायोस्टिन, आधा किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। दोस्तों अब इसके बाद हमारी बात आती है, कुछ एक बीमारियां ऐसी हैं जो कि आपको कहीं कहीं आपको सफेद पत्तियां आपको नजर आएंगी, पत्ते के ऊपर चितकियां आपको नजर आएंगे, भूरे या काले रंग के चितकियां आपको नजर आएंगे, चितका रोग जिसको हम बोलते हैं, लीफ स्पॉट, एंगुलर लीफ स्पॉट होता है, त्रिकोणीय जिसको हम कोणीय रोग जिसको हम बोलते हैं, कुछ एक आपका गलन, जो पत्ती गलनी शुरू हो जाती है आपकी कुछ एक उसकी वजह से है। उसमें आप M45 का इस्तेमाल कर सकते हो। बैक्टीरिया की वजह से जो बीमारी आपकी बनी है उसके अंदर आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो टीके आते हैं 6-6 ग्राम के पाउच के, 3 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से, वो साथ में आप जरूर लीजिए, आपको फालतू की बीमारियों से आपको निजात मिलेगी। और समय रहते अगर आप ये मत सोचिए कि मेरा नुकसान होगा मैं तभी स्प्रे करूंगा, सावधानी के तौर पे आप हल्की डोज के अंदर जो शेड्यूल मैंने आपको बताया है, NPK के बाद आपका एक फफूंदनाशक कीटनाशक, उसके बाद दोबारा आपका खुराक के तौर पे जो आप इस्तेमाल करोगे, इस शेड्यूल को आप फॉलो करते रहिए। और दोस्तों कहीं भी कोई चीज आपको नहीं समझ में आती है, आप बेझिझक हमारे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और किसी भी समय आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, हमारे फोन के माध्यम से भी, व्हाट्सएप और कॉल के माध्यम से भी। धन्यवाद दोस्तों।